नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। पश्चिम बंगाल का चुनावी संग्राम अब थम सा गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला भी हो गया है। भाजपा की सारी रणनीति धरी रह गई और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बहुमत से सत्ता में वापसी कर ली है। बंगाल की जीत को लेकर खीर में नमक आने से जैसी स्थिति उस वक्त बन गई जब पता चला कि पार्टी जीत गई है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई। ऐसे में सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वे मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी। आइए आपको बताते हैं कि चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री कैसे बना जा सकता है, क्या है इसका तरीका और नियम। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के लिए यूं तो विधानसभा या विधान परिषद, जिन राज्यों में दो सदन है उनका सदस्य होना जरूरी है। अगर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 माह के भीतर सदस्य बनना जरूरी है। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ बिना विधायक रहते ली जा सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को 6 महीने का वक्त मिलता है। इस तय समय सीमा के अंदर उनका विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। यही नहीं, ममता की इस हैट्रिक के बाद उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत में विपक्षी खेमे में उनकी टक्कर का कोई नेता फिलहाल तो नहीं है। वहीं टीएमसी मीटिंग में भी सभी की सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद खबर आ रही है कि ममता आगामी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इसके अलावा अन्य लोगों का शपथ ग्रहण 6 मई को होगा। शपथ समारोह को ममता का कहना है कि हम एक साधारण शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बनाकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की लड़ाई से देश जीत नहीं जाता, हम किसी भी प्रकार का जश्न नहीं मनाएंगे। ममता ने कहा कि बीजेपी कोई शहंशाह नहीं है, हम 24 घंटे काम करते हैं और अपनी जनता से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने विनाश के रास्ते को रोका है, बंगाल की जनता ने रोका है। ममता ने अपनी जीत का क्रेडिट युवाओं और महिलाओं को दिया है। नंदीग्राम में काउंटिंग के मामले को लेकर ममता ने कहा कि पार्टी इस बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे कई तरह के मैसेज आ रहे हैं, कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनके मुताबिक अगर मैं रिकाउंटिंग की बात करती हूं तो मेरी जान को खतरा भी है। आपके अनुसार बंगाल का असली विजेता कौन है और किसे जीतना चाहिए था? आप किसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते थे? अब तक के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहे HCN न्यूज। धन्यवाद।